सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। अफगानिस्तान को लेकर सबसे बड़े अपडेट एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं। एक ही रिपोर्ट के अंदर रोज की तरह आपको सारे अपडेट बड़े बड़े देता हूं, आसान जबान में, शॉर्ट में और सबूत के साथ। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने आखिरकार तालिबान को दावत दे दी है। जी हाँ, रूस की दावत के बाद ये क्लियर बात हो गई कि तालिबान अब आप ज़्यादा मजबूत हो गया है। तालिबान को अब बड़े बड़े देश सपोर्ट कर रहे हैं और जो देश सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आने वाले वक्त में वो भी सपोर्ट करने लगेंगे, तालिबान का ऐसा कहना है। आपको बता दूं कि रूस की तरफ से ये दावत दी गई है तालिबान को कि वो रूस यानी मॉस्को पहुँचे और फिर अफगानिस्तान के हालात पर तालिबान के साथ रशिया बात करे। जी हाँ दोस्तों, और बताया गया है कि 20 अक्टूबर को ये दावत है यानी ये प्रोग्राम है और 20 अक्टूबर को तालिबान होगा मॉस्को के अंदर। देखना ये है कि अब इस मीटिंग के बाद क्या रुख होता है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने भी तालिबान की मदद करने के लिए और तालिबान को मदद पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको बता दूं कि बिल गेट्स के बारे में आप जानते होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स को संबोधित करते हुए बिल गेट्स से इमरान खान ने कहा है कि भैया तालिबान को मदद पहुंचाओ, अफगानिस्तान के लोगों की मदद पहुंचाओ। दोस्तों इसके बाद अलग अलग तरीके से लोग इमरान खान को घेरने में लग गए हैं। दोस्तों हेलमंद के प्रांत में, हेलमंद के इलाके में, जो पंशीर के इलाके, मतलब जो पंशीर के हाथ में था, वो इलाके में एक बाजार था जिस बाजार का नाम सांगिन बाजार बताया जा रहा है, वो तालिबान ने अपने हाथ में ले लिया था। और तालिबान ने उसके बाद एक वीडियो अब जो जारी करी है उसमें वो पूरा बाजार तबाह दिख रहा है, जिसे बम से उड़ा दिया गया है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है, पूरी तरह से खंडर हो गया है बाजार। अब दोस्तों तालिबान के इस रुख पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तालिबान ने अभी इस पर कोई भी सफाई नहीं दी है। दोस्तों अफगानिस्तान में काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर हाल देखिए, लोग इतना परेशान हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं, जो कल दिखाई थी वो तो पुरानी है, ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। हजारों लाखों लोगों का मजमा हुजूम देखा जा रहा है कि किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे हमें अफगानिस्तान का पासपोर्ट मिल जाए और हम अफगानिस्तान को छोड़कर फरार हो सकें। दोस्तों आपको बता दूं कि अमरीकी एक सर्च एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसका नाम सिगार है। ये कंपनी जो है अफगानिस्तान में काम करती थी, अफगानिस्तान के लिए काम करती थी जब अमरीका वहां पर था। अब यही कंपनी, यही फर्म जो है, यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसके अब इस मैटर पे काम करेंगे कि आखिर अफगानिस्तान से कितना पैसा लेकर अशरफ गनी भागे हैं। जो कि ये बात बताई जा रही है कि अशरफ गनी ने पूरी सरकार का, पूरे अफगानिस्तान का पैसा ही लूट लिया है। देखना यह है कि अब ये सिगार इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने लेके आता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी ड्रग्स होते हैं, वीड्स होते हैं, उनमें पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है, टोटल एक्सपोर्ट में से 85% सिर्फ अफगानिस्तान से होता है। यानी चरस, गांजा, अफीम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में होता है। ऐसे में अफगानिस्तान में खुद चरस गांजा इतना सस्ता मिलता है कि हर दूसरा आदमी चरसी और नशेड़ी था। अब तालिबान जब से वहाँ आया है तो लोगों का इलाज कर रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा हमारे पास आई हैं और वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि तालिबान ने सरकारी अफगानिस्तान के दफ्तरों को सुधार गृह में, यानी नशा छुड़ाने का और ये जो लत लगी हुई है उन लोगों का इस जगह पर इलाज कर रहे हैं। और अब जो तस्वीरों में देखा गया है वो ये देखा गया है कि जो लोग बीमार रहें, ग्रस्त हैं, नशे के शिकार हैं, उन लोगों का इलाज अलग तरीके से कर रहे हैं। उनके बालों को काट दिया गया है, टकला कर दिया गया है, एक तरह से ड्रेस बनाई गई है और कई तरह से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि इलाज उनका चल रहा है। अब पूरी दुनिया में इसकी तारीफ भी की जा रही है तालिबान की कि तालिबान ने कम से कम ये काम तो अच्छा किया है। दोस्तों तालिबान ने अमेरिका की तारीफ करी है, घबराइए नहीं, कहा है बहुत बढ़िया काम किया, गुड मूव, तुम यहाँ से निकल गए। कल का ही दिन वो दिन था जिस दिन 20 साल पूरे हो गए थे अमेरिका को अफगानिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, और इसी पर पिन मारते हुए तालिबान ने मज़ा लेते हुए कहा है,
बहुत बढ़िया काम किया अमरीकियों कि तुम ठीक 20 साल होते ही यहाँ से निकल दिए। दोस्तों मैंने आपको कल एक अपडेट दिया था कि ईरान और तालिबान के बीच में बड़ी मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें क्या बातें हुई हैं वो समझ में नहीं आया है। अब उसकी डिटेल सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब इस मीटिंग में ये बात सामने आई है कि ईरान और तालिबान के बीच में ट्रेड को लेकर डील हुई है। दोस्तों किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बिजनेस करना पड़ता है, और ऐसे में तालिबान के साथ सबसे पहले बिजनेस करने के लिए ईरान सामने आ गया है। ऑफिशियली ईरान और तालिबान ने मीटिंग करी और ट्रेड को लेकर कई सारे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों आपको बता दूं कि विगर मुसलमान को आप जानते हैं, चीन के मुसलमान जो चाइना से परेशान हैं, उनमें बहुत सारे लड़ाकू भी थे जो विगर मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, जिन्हें चीन आतंकवादी कहता है। चीन और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वो लड़ाकू देखे जा रहे थे, जिनकी वजह से चीन बड़ा परेशान था कि ऐसा ना हो कि ये वीगर मुसलमान तालिबान से मिल जाए और तालिबान इनकी मदद करने के लिए चीन के अंदर घुस जाए। ऐसे में चीन ने उनसे बड़ा दाव खेल दिया था, तालिबान के साथ मीटिंग, तालिबान के साथ मुलाकात, तालिबान के साथ डील, तालिबान की मदद, तालिबान को पैसे देना। ये सब चीज़ें करने के बाद तालिबान ने भी वफा कर दिया है। जी हाँ, तालिबान ने वफा ऐसे निभाई है कि बॉर्डर पर जो वीगर मुसलमान थे उनको तालिबान ने भगा दिया है। जी हाँ, लड़ा धमका कर वहाँ से वीगर मुसलमानों को भगा दिया है। अब आधे मुसलमान तालिबान के इस बात से खुश नहीं हैं, और दूसरे जो तालिबान को फुल सपोर्ट करते हैं उन्होंने ये चीन की और तालिबान की डील बताई है। दूसरी तरफ उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर तालिबान पहुंचे हैं, यानी अफगानिस्तान पहुंचे और तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा की है। फिर से बता रहा हूं, अभी इस चर्चा में क्या क्या बातें हुई हैं वो सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन आपको बता दूं कि कल तक उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ बैठकर तालिबान की बुराई कर रहा था और आज तालिबान की गोद में सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ कतर ने तालिबान को झटका दे दिया। तालिबान के बारे में बात करते हुए कतर ने सीधा सीधा कह दिया है कि दुनिया को तालिबान को रिकॉग्नाइज करने में, मान्यता देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तालिबान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लोलवा राशिद अल खतीर ने ये बात कही, जिसके बाद तालिबान को ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि तालिबान को कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया से सीखना चाहिए, वो इस्लामिक कंट्री हैं और महिलाओं के साथ काम करती हैं। दोस्तों आखिरी बड़ी खबर ये है कि तालिबान के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगा है, खबरों के ज़रिए खबरें सामने आई हैं और हमने भी अपने सूत्रों से पुष्टि की है, ये बात कन्फर्म बताई जा रही है कि तालिबान व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है लोकल जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को धमकाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद अब तालिबान को फिर से घेरा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।